ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ସାବରମତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସି ଯାଇଛି। କାନପୁର ଭୀମସେନ ଷ୍ଟେସନ ମଝିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର 22ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କାହାରି କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓ ଟ୍ରେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ କେହି ବଡ଼ ବୋଲ୍ଡର ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବୋଲ୍ଡର ସହ ମାଡ଼ ହେବାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ମାରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଥିବା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ସହ ମାଡ଼ ହେବା ପରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେବେ ମାମଲାରେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଇବି ଓ ୟୁପି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମାମଲାର ଛାନଭିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। द्वारा बताया गया है कि 22 जो है बोगियाँ जो है ट्रेन से वो पटरी से उतरी हैं, लेकिन गनीमत यह है कि कोई घायल नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है, सब सेफ है। और इनको जो है बसों के द्वारा जो है स्टेशन द्वारा भेजा भी जा रहा है। और अभी रेलवे द्वारा अभी बताया गया है कि मेमो ट्रेन भी आ रही है, जिससे लोगों को स्टेशन द्वारा भेजा जा रहा है। देखिए, इन लोगों को सबको जो है पानी, कुछ खाने का, चाहे जो संभव हो पा रहा है वो करा जा रहा है। बाकी कोई जो है दिक्कत नहीं है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग, सब रेलवे के लोग सब यहाँ पे लगे हुए हैं। कोई इंजरी और कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। जो भी पैसेंजर इसमें थे उनको हम लोगों ने ट्रेन लगा करके वापस उनको कानपुर लेके चले गए हैं। कुछ बस से भी चले गए और कानपुर में एक ट्रेन वहाँ पर एक रेडी कर लिया गया है, उसमें उन लोगों को बैठा करके गंतव्य स्थल की तरफ भेजा जाएगा। नहीं नहीं, उस ड्राइवर का जो स्टेटमेंट था उसमें कोई चीज़ टकराने की आवाज़ आई थी, तो फिर बाकी तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। सब इसके ऊपर हम वही हम लोग प्लान कर रहे हैं, टाइमिंग का अभी हम लोग असेसमेंट ले रहे हैं। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।